गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एग्जॉटिक बर्ड में। और आज का टॉपिक है कि अगर पक्षी पंख फुलाकर बैठा है एक तरफ किनारे तो क्या कारण हो सकता है। तो आइए चलते हैं आई वेरी में। और आई वेरी में हम पहुंच गए हैं। देखिए सब मस्त सॉफ्ट फूड खाने में एकदम मस्त हैं। और आज मैं सुबह आकर के मैंने देखा तो एक सारे बर्ड्स मेरे आते ही उड़कर ऊपर बैठ गए, लेकिन एक बर्ड ऐसा था जो कि एक तरफ कॉर्नर में चुपचाप गुमसुम सा बैठा हुआ था और उसने अपने सारे फैदर जो हैं वो फुला कर रखे हुए थे और एकदम बर्ड्स जो की जो लंबाई होती है वो कम हो गई थी और मोटाई ज़्यादा हो गई थी। मतलब समझ रहे हैं आप, वो पंख फुला करके बैठा था। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बाहर दिया हुआ है कि पक्षी पंख फुला कर क्यों बैठ जाता है, तो अगर पक्षी पंख फुला कर क्यों बैठता है आज इसके बारे में बात करेंगे। और ये एक इंडिकेशन होता है बर्ड के बीमार होने का, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसका टॉपिक था कि बीमार पक्षी का इलाज कैसे करें। लगभग सेम वही वीडियो फिर से बना रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने जो बातें बताई हुई थी मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, अगर आप उसको देखना या सुनना चाहते हैं तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से मैं जाकर आप उसको देख और सुन सकते हैं। आज मैं कुछ दूसरी बातें करूँगा और बर्ड्स का कैसे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो बात करेंगे आज की बीमार पक्षी का इलाज कैसे करें, और ये पार्ट टू है इसका। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जैसा मैंने पहले बताया, और आपको सामने ये एक बर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये वही है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे। ये देखिए ये सर को झटक रहा है, मतलब इसको कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये कॉलोनी में नीचे बैठा हुआ था तो इसको मैंने अलग एक सेपरेट केज में छोड़ दिया था, और अब इसको मैंने पकड़ लिया है। और सबसे पहले ये चेक कर रहा हूँ कि इसको कहीं लूज मोशन वगैरह या इसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बेसिकली कुछ बर्ड्स में पहले प्रॉब्लम यही आती है। लेकिन ये इसकी वेंट चेक करने में समझ में आ रहा है कि ये एकदम साफ़ सुथरा है, कहीं कोई इसने ड्रॉपिंग वगैरह नहीं की हुई है, बीट नहीं की हुई है, तो एकदम साफ़ सुथरा है। मतलब इसको कोई वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। और अब हम इसको लेके आ गए हैं एक हॉस्पिटल केज में। एक अलग से केज रखते हैं हम, जिसको हम हॉस्पिटल केज बोलते हैं, जब बर्ड बीमार होता है तब उसको रखते हैं। ये हॉस्पिटल केज है, लेकिन इसमें दो बर्ड का ऑलरेडी वैक्सीनेशन पिछले 3 दिन से चल रहा है, तो अभी मेरे को इस केज पर रखना पड़ा है। तो इसमें अपन ने इसको मैंने रख लिया है। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि एक स्टार्टिंग ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो वही जो मैंने पहले बताया था, टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल वेटरनरी और नियोपेप्टिन सिरप ह्यूमन। नियोपेप्टिन सिरप जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है, और टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। आरओ का साफ पानी लेंगे, एक सिरिंज लेंगे, और ये टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल को पहले से ही मैंने पीस करके रखा हुआ है टैबलेट को, तो करीब 20-25 ml पानी है, और उसमें 2 से 3 ग्राम पाउडर लिया है, और 2-3 ड्रॉप हम नियोपेप्टिन सिरप के भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 से 3 ड्रॉप हमने नियोपेप्टिन इसमें ऐड कर दिया है, और टेट्रासाइक्लिन टैबलेट का पाउडर इस पानी में ऐड करने के बाद में इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और ये सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम बर्ड्स को जो इंडिकेट करता है वो सबसे ज़्यादा बस यही करता है कि बर्ड जब भी बीमार होगा या उसको कुछ ठीक महसूस नहीं करेगा तो वो खाना पीना छोड़ेगा और ऊपर कभी भी उड़ के ऊपर नहीं बैठेगा। वो हमेशा नीचे ज़मीन में या किसी कॉर्नर में जाके छिप के या दुबक के बैठ जाएगा, और उसके जो फैदर की साइनिंग होती है वो चली जाती है, वो फैदर फुला लेता है और एक तरफ जाके चुपचाप गुमसुम सा बैठा रहता है। उस स्ट्रेस में आ जाता है, उसको डिस्टरबेंस पसंद नहीं होता है, वो दूसरे पक्षियों के साथ में हिलमिल कर भी नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है। जैसे हमें कोई अगर प्रॉब्लम होती है, हेल्थ चैलेंज आता है, तो हमें फीवर आ जाता है या हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है और हमारी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, ठीक वैसे इनकी चेंज हो जाती है। अब इसको हमने केज से पकड़ लिया है और एक डिस्पोवन की सहायता से इसको हम फीड कराने की कोशिश करेंगे। रीज़न ये है कि मुझे
ऑफिस जाना है, मैं 6 घंटे बाद लौटूंगा, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैंने इसको सॉल्यूशन बना के रख दूं और ये खुद ही पिए। कई बार बर्ड्स खुद नहीं पीता है और उसकी बीमारी बढ़ जाती है, और फिर बाद में अगर उसने थोड़ा बहुत पिया भी तो वो काम नहीं दे पाता क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए रिस्क ना लेके मैं इसको 1 ml सॉल्यूशन जो है हैंड फीड करा देता हूँ। हैंड फीड कराने के लिए ध्यान रखें कि कभी भी बर्ड को, बेबी हो या बड़ा हो, उसको हमेशा उसकी चोंच के राइट साइड से ही हैंड फीड कराएं। अगर राइट साइड से हैंड फीड कराएंगे तो वो उसके स्टोमक में जाएगा। धोखे से भी अगर आपने लेफ़्ट साइड से अगर हैंड फीड करा दिया तो वो उसके लंग्स में जाके जो है, आप जो भी मेडिसिन या जो भी आप हैंड फीडिंग फार्मूला दे रहे हैं उसके लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में वो पानी भर जाएगा, और जब बर्ड तुरंत सांस लेगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर उसको नहीं मिल पाएगी और उसकी स्पॉट में ही डेथ हो जाएगी। तो ध्यान रखें, हैंड फीड जो है तभी कराएं जब इसकी प्रॉपर आप ट्रेनिंग ले लें। इसके अलावा हमें इसको खाने में सिर्फ ड्राई सीड्स यानी कंगनी दे रहे हैं, और किसी भी प्रकार का सॉफ्ट फूड वगैरह इसको 2 से 3 दिन हम नहीं देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।